हो दूल्हे राजा संभल कौड़ी खेलो, हो दूल्हे राजा संभल कौड़ी खेलो, हो दूल्हे राजा संभल कौड़ी खेलो। बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो। ओ दूल्हे राजा संभल कौड़ी खेलो, ओ दूल्हे राजा संभल कौड़ी खेलो। सखियां कहने लगी बाद में झगड़ा मत करना, पहले आप बाजी बदल लीजिए, पहले बता दीजिए। अब राम जी बोले कि सखियों हम तो झगड़ा करते नहीं, झगड़ा तुम ही करती हो, अब बाजी भी तुम ही बता दो जो तुम्हारी इच्छा हो। सखियां बोली वाह बहुत अच्छा मौका मिला है, जब हमें ही बाजी बतानी है तो हम अपने फायदे की बात सोचेंगी। तो सखियों ने क्या कहा कि अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिला में रहो बन के चेलो संभल कौड़ी खेलो, उंगे दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। यदि आप हार गए तो आपको मिथिलापुरी में हमारा चेला बन करके रहना पड़ेगा। और राम जी बोले यदि तुम हार गई तो सखियां कहने लगी कि वैसे तो हम लोग हारेंगी नहीं, और कदाचित हार जाती हैं तो जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा। संभल कौड़ी फेंकन लागे, संभल संभल कौड़ी फेंकन लागे, संभल संभल कौड़ी फेंकन लागे, संभल संभल कौड़ी फेंकन लागे, जीती सिया अलवेलो कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा कौड़ी खेलो। अब कौड़ी खेलने में जानकी जी को जिता दिया सखियों ने, जबरदस्ती जिता दिया। अब राम जी से कहने लगी कि ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, सुबह शाम मिथिला के अहाते के अंदर, सुबह शाम मिथिला के अहाते के अंदर, नजर बंद होकर टहलना पड़ेगा, नजर बंद होकर टहलना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सखियों ने कहा अब तो आपको यही रहना पड़ेगा।